वेलकम बैक टू माई अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। आज मैं हूँ कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। तो हम जा रहे हैं अभी मलेशिया। तो ये है मेरा फर्स्ट एपिसोड ऑफ मलेशिया टूर। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं कि कोलकाता से कुआलालंपुर तक हम कैसे पहुँचते हैं। तो ये हम करने वाले हैं 7 डेज का ट्रिप। तो सबसे पहले हम जाने वाले हैं कुआलालंपुर और मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैंने टिकट बुक किया है, कौन सा फ्लाइट सबसे चीपेस्ट था, कहाँ से वीज़ा अप्लाई करना है, वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, कितना दिन में प्रोसेसिंग होता है और क्या वीज़ा फी है। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं देन फील फ्री टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए अभी हम पहुंच चुके हैं कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में और अभी बजे है सुबह के 4:30। ये है मलेशियन टाइम जो कि हमारे इंडियन टाइम से 2 आवर 30 मिनट ज़्यादा आगे है। हमने अभी लैंड किया है टर्मिनल 1 में और हमारा फ्लाइट था बतिक एयरलाइंस जो कि वन ऑफ द चीपेस्ट एयरलाइंस है इंडिया से अगर आप ट्रैवल करते हैं। और ये डिपेंड भी करता है कि आप कौन सी सिटी से ट्रैवल कर रहे हैं। ये अगर आप कोलकाता से ट्रैवल करते हैं तो आपको चीप पड़ेंगे रदर देन दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर। तो हमने ट्रैवल किया था कोलकाता से तो हमें पड़ा था 40,000 to 48,000 दोनों का और आने जाने का। तो चलिए अभी सबसे पहले चलते हैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में। आपको पासपोर्ट, वीज़ा और होटल बुकिंग के सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं। वहाँ पर सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हम चले आए हैं अभी लेवल 3 में। तो यहाँ से हमें जाना है अभी लेवल 1 में क्योंकि लेवल 1 से ही आपको सारे सिम वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। तो चलिए अभी चलते हैं लेवल 1 में। और कुआलालंपुर एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, बहुत टाइम टेकिंग है तो इसीलिए आप उसके हिसाब से आपके सारे प्लानिंग कीजिएगा। तो हम अभी जा रहे हैं लेवल 1 में। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कैश। यहाँ पर बहुत सारे मनी एक्सचेंज काउंटर है। अगर आप पैसा लेके आते हैं तो यहाँ पर एक्सचेंज कर सकते हैं और अदरवाइज आपके पास अगर इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है तो आप डायरेक्टली एटीएम से निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आने से पहले आप एक बार बैंक जाके अपने इंटरनेशनल कार्ड को एक्टिव कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने निकाले हैं तो ये है 5.5 मलेशियन रिंगिट जो कि 1 मलेशियन रिंगिट इक्वल्स टू 17 INR है। एंड दिस इज 20 रिंगिट। सो हम अभी सिम लेने आए हैं। तो ये सिम हम ले रहे हैं जिसका ये 35 का हम रिंगिट ले रहे हैं यानी कि अनलिमिटेड डेटा है और साथ में फ्री कॉलिंग भी है। तो चलिए अभी सिम कार्ड लेते हैं। तो सिम कार्ड आप यहाँ से ही ले सकते हैं, एयरपोर्ट से ले सकते हैं। तो मैं भी यहीं से ले रही हूँ। सिम लेने की प्रोसेस बहुत ही इजी है। बस आपको आपके पासपोर्ट की एक कॉपी देनी होती है और ये यहाँ पर डाल के देते हैं सिम जो कि तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं। अभी हम सिम लेने के बाद अभी बुक करेंगे हम ग्रैब। ग्रैब यानी कि एक कार सर्विस है, जैसे इंडिया में उबर या फिर ओला होते हैं वैसे ही यहाँ पर है आपकी ग्रैब।
मॉर्निंग फ्रॉम मलेशिया कुआलालंपुर। तो हम अभी यहाँ पर उतरे हैं, हमारा फ्लाइट था 6:30 को, लेकिन थोड़ा सा डिले होने के कारण हम पहुँचे 7:15 को। तो उतरने के बाद सबसे पहला काम जो है वो है आप करेंसी एक्सचेंज कर लीजिए अगर आपका वीज़ा कार्ड नहीं है तो, और इंटरनेशनल डेबिट कार्ड नहीं है तो एक्सचेंज कर लीजिए, अदरवाइज ATM से ही निकल जाएंगे पैसे। उसके बाद सेकेंड काम है कि आपको सिम लेना है, एक यहाँ का जो लोकल सिम है वो लेना है, मैंने लिया है और मैं वो वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। उसके बाद आप यहाँ पर ग्रैब बुक कर लीजिएगा, जैसे हमारे इंडिया में चलता है ओला या फिर उबर, वैसे ही यहाँ पर ग्रैब चलते हैं। तो ग्रैब करने के बाद हमें जाना है अभी बुकिट बिंतांग तक, क्योंकि हमारे होटल वहाँ पर है, और जैसे कि आज हमारा फर्स्ट डे है तो हम जाएंगे बाटू केव ट्रेवल करने के लिए। तो आज हम देखेंगे बाटू केव और उसके बाद जेंटिंग हाईलैंड, तो ये दो चीज़ हम आज कवर करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 7 डेज के लिए आए हैं और मैं चाहती हूँ कि इस 7 डेज को मैं बहुत ज़्यादा मेमोरेबल बनाऊँ और सब कुछ कवर करूँ जितना हो सके। तो बने रहिए मेरे चैनल पे और देखते रहिए मेरे वीडियोस। मलेशिया एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, अगर आप घूमना चाहते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है घूमने के लिए। और अभी तो फिलहाल 2024 की एंडिंग तक वीज़ा भी फ्री है, जो हमने जब किया था तो वीज़ा फ्री नहीं था, हमें 2000 पर पर्सन के हिसाब से वीज़ा हमने परचेस किया था, तो अभी वीज़ा फ्री है। तो अभी हमें जाना है बुकिट बिंतांग, जहाँ पर हमारी होटल है सिलोन सूट, ये एक इन्फिनिटी पूल होटल है। मैंने सारी बुकिंग booking.com से किया है, आप भी वहाँ से कर सकते हैं, और या फिर बहुत सारे वेबसाइट है जैसे कि clook.com, headout.com, thrillophilia.com, तो यहाँ से अगर आप बुकिंग करते हैं तो आपको बहुत सारे डिस्काउंट भी मिलेंगे। तो यहाँ पर हम जाके अभी चेक इन करेंगे, तो उसके बाद हम जाएंगे बाटू केव। तो मेरा नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है बाटू केव का, और अगर मेरे वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं देन फील फ्री टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन से मुझे मिलेगी मोटिवेशन ताकि मैं ऐसे और भी वीडियोस आपके लिए ला सकूं। और मेरे सारे वीडियोस अभी आने वाले हैं एपिसोड वाइज एपिसोड, तो आप देखते रहिएगा ताकि आप जब ट्रैवल करें तो आपके लिए ये हेल्पफुल हो। अभी पहुंच चुके हैं हम हमारे होटल तक। तो इतना ही था मेरा आज का ये वीडियो, तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलूंगी आपके साथ और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए स्टे स्ट्रांग एंड स्टे हैप्पी, टिल देन बाय बाय।